नमस्कार आदाब डीडी उर्दू में आपका खैर मकदम है आज गुफ्तगु में हम बात करेंगे डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव से डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव किसी तारुफ की मोहताज नहीं है वह एक लेखिका और गायिका के साथ साथ फ़िलासफ़र भी हैं उनके फ़न का एतराफ़ करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन ने उन्हें संगीत में ए ग्रेड दिया है सिर्फ यहीं तक उनका तारुफ पूरा नहीं हो जाता डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव लगभग ग्यारह जबानों पर अपनी मजबूत पकड़ भी रखती हैं डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव दुनिया के कई हिस्सों में अपनी कला का जौहर दिखा चुकी हैं उनके फ़न का लोहा मानते हुए कई इदारों ने मुख्तलफ़ एजाजात और इनामत से नवाजा है तो चलिए देर किस बात की बात करते हैं डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव से और जानते हैं उनके अब तक के सफ़र को आपका खैर मकदम है और कैमरे के पीछे से दूरदर्शन में एक लंबी सेवा देने के बाद एक मुकम्मल कलाकार जब कैमरे के सामने आता है तो कैसा लगता है इनशाल्ला अच्छा लगता है कि आप सब इतना मुझे प्यार देते हैं और प्यार करते हैं मैं शुक्रगुज़ार हूं अल्लाह ताला की आप मुकम्मल सिंगर राइटर फिलोसफर क्या क्या है ये कब और कैसे हुआ मैं मुकम्मल तो नहीं कह सकती हूँ ये आपने कहा आ, क्योंकि मुकम्मल तो हम हो ही नहीं पाते हैं कलाकार ये प्यास हमारी हमेशा बरकरार रहनी चाहिए तभी हम आगे बढ़ सकते हैं मेरे वालिद, मेरे पिता जो थे वो बहुत अच्छे लेखक रहे एक ऑफिसर के साथ साथ तो कहीं न कहीं ये चीज़ भी मेरे अंदर कहीं पनप रही थी तो धीरे धीरे सिलसिला बढ़ा और खुदा ने नवाजा कि मैं एशिया के इतने बड़े चैनल में मुझे अपनी संस्कृति को एक सेवक के रूप में प्रस्तुत करने का मौका मिला और मैं अपने सभी जो दूरदर्शन के हमारे कलीग हैं सबकी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इतनी मोहब्बत दी कि आज मैं आपके सामने बैठी हूँ कहते हैं कि मौसी की दिल और दिमाग को एक साथ काबू करती है और आपकी ज़िंदगी मौसी का एक अहम रोल है आप इसे कैसे बयाँ करें ऐसे ही मौसी से भी ये रहा कि मुझे ईश्वर ने नवाजा सुरों से और वक्त जो सबसे बड़ा गुरु होता है मुझे एक से एक गुड़ी लोगों का साथ मिला और सीखने का मौका नहीं। मिला नहीं। अभी भी मैं सीखती हूँ आपके साथ नहीं। भी नहीं। सीख रही हूँ अपनी बातें याद करके बता के आपसे आपको सुन के तो मैं दो लाइन अपने बारे अपने में कहना चाहूँगी कि जी, मेरी लिखी हुई चीज है कि ना मैं बादल हूँ ना पुरवाई हूँ मैं बादल हूँ ना पुरवाई हूँ एक लघु हूँ धरती पे उतर आई हूँ क्या, क्या मैं समझता हूँ सबसे मौसीकी में जो गज़ल है उसका एक अपना मैार है बेगम अख्तर से आपका मैंने बेगम को जब मैं दिल्ली में आई तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अंदर से क्यूरासिटी थी कि मैं उन्हें तो देख नहीं सकी सिर्फ उनकी फिल्में देखी उनके रिकॉर्ड संगीत नाटक अकादमी की लाइब्रेरी में जाके सुना कि ऐसी क्या बात थी उनकी आवाज़ में जी। कि वो इतनी कोहनूर हमारी गज़ल की बिल्कुल और आज भी जो उनकी आवाज़ में तासीर है जो एक उनकी जो गले में एक पत्ती सी थी फिर राघव मेनन साहब से मुलाकात हुई दिल्ली में जी। संगीत के बहुत बड़े क्रिटिक तो उन, उन्होंने भी मुझे बताया कि बेगम की आवाज़ में जो वो ख़ास उनका अंदाज था और जो खराश थी इतनी बेहतरीन थी कि वो उसको सजा के ले जाती थी आप कोई गज़ल उनकी गुनगुना दी उल्टी हो गई सब तदवीरें उल्टी हो गई सब तदवीरें कुछ ना दवा ने काम किया उल्टी हो गई सब तदवीरें जगजीत सिंह साहब जिनको मखमली आवाज़ के लिए जाना जाता था और उन उनके साथ भी आपने काम किया वो आपकी आवाज़ से मुतासर भी थे अगर मेरी गलत नहीं मुझे मुझे ये बिल्कुल आपने सही फरमाया साहब की जगजीत साहब के साथ बड़ी मोहब्बत उनको मेरी आवाज़ बहुत पसंद थी वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया मैं आज भी समझ नहीं पाई वो सुबह उन्होंने मुझसे कहा था इन सोनी तू गानी है ना तू लोरी ढूंढ के ला मैं थोड़ी तो आवाज़ से रोली रिकॉर्ड करंगा मैं बेचारी लोरी ढूंढने में लगी रही मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसी सुबह खबर आ जाएगी कि वो हमारे बीच से चले जाएंगे बेहद बेहद दुखद ऐसे थी। लगा कि जैसे ये ये क्या हो गया मुझे समझ ही नहीं आ रहा था जब डीडी न्यूज से कहा गया कि स्पेशलिस्ट जल्दी आप स्टोरी बना के भेजिए वो जगदीश साहब नहीं रहे जी। तो ये कितना बादशाह गजल का ग़ज़ल का बादशाह कहा जाएगा तो गलत नहीं होगा जितनी बेहतरीन उनकी अदायगी उनका अंदाज उतने ही बेहतरीन इंसान क्योंकि ये दो बातें बड़ी अलग होती हैं एक अच्छा कलाकार होना और उस पर से अच्छा इंसान होना जी वो लोगों की मदद करते थे मैं आपको बताऊं जो बहुत कम लोगों को पता है बगैर किसी को बताए बगैर किसी जी। को जताए ऐसे नेक दिल इंसान अच्छा एक बात बताइए अक्सर ये आजकल तो बहुत पहले से भी था लेकिन अब ज़्यादा ये बात पकड़ गई है मेरे बच्चे को फला बनना है या मुझे ये बनना है तो आपने कभी ऐसा सोचा था कि आप इस तरह से एक मुकम्मल पर्सनालिटी बनेंगे मल्टीफेसेटेड मुकम्मल से पहले मल्टीफेसेटेड तो ये आपने पहले से तय किया या वक्त की बिल्कुल ये सही फरमाया क्योंकि हमारे चाहने से कहाँ कुछ मिलता है निदा फाजली साहब ने लिखा है ना जिसे चाहा वो मिला नहीं और जिस जो मिला उसे मैंने चाहा नहीं, नहीं। भारत भूषण साहब भी है? लिखते हैं जी ये विसंगति जिंदगी के हर बार द्वार रुई कि चाह में है और कोई बाह में ही और क्या बात तो ऐसे हमारे यहाँ तो एक से एक लोग हुए हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं तो उनसे भी मैं बहुत प्रभावित होती रही मैंने सोचा नहीं था ये सब हमारे पिताजी की दूरदृष्टि जिन्होंने मुझे कहा कि नहीं ये सीखो ऐसे करो उस जमाने में क्योंकि पहले तो गाने को इतना अच्छा माना ही नहीं जाता था और मैं तो बड़े पिछड़े इलाके से आती हूं, बलिया ईस्टर्न यूपी से अच्छा, तो अच्छा। पिताजी थे जो इतनी दूर दृष्टि उनकी थी कि आज मैं आप सबके सामने बैठी हूँ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को श्रीवास्तव साहब ने बहुत पहले पढ़ लिया था और आपकी शक्ल में उसे नमोदार कर दिया अच्छा एक बात बताइए ये जो रंगोली है इससे आपका जुड़ाव है अगर ये कहें कि डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव और रंगोली तो लगभग नाजरीन की दृष्टि अंदाज में वो एक ही होता है तो ये लंबा सफर आपने तय किया बिल्कुल तो इस कि सफर के बारे में बताइए और इसमें कोई दिलचस्प वाक्य जो आप हमारी नाजरीन से शेयर करना चाहिए बिल्कुल शेयर करना चाहूंगी चाह। रंगोली मुझे हमारे डायरेक्टर रहे मुकेश शर्मा साहब बड़े क्रिएटिव डायनामिक डायरेक्टर जी तो उन्होंने मुझे एक दिन बुला के कहा कि भाई शैलेश आपको रंगोली करना है मैंने कहा सर कैसे बोले मुझे कुछ नहीं सुनना है मुझे पता है आपको करना है और करना है फिर मैंने उस पर काम शुरू किया कि मैं क्या ऐसे परोसूं रंगोली को कि दर्शक उससे जुड़ें और भागें नहीं उनकी आई बॉल्स क्योंकि आज दर्शक को पकड़ के रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि आपके हाथ में रिमोट है क्यों देखेंगे आप मुझे तो इंटरनेशनली भी ये एक फार्मूला है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोग्राम को देखें तो वो क्यों देखें इसका जवाब रखेंगे आप तो बिल्कुल देखेंगे और हुआ ये सही मायने में तो हमने अलग अलग तरह से उसको देखा कि पहले कोई हीरो कैसे फिल्मों में आता था उसकी जर्नी भी बताई फिर मुझे लगा कि नहीं और भी कुछ करना चाहिए तो गीत कैसे बनते हैं और थीम को लेकर के फिर उससे जुड़े गीत को लेकर के आ, उसके पीछे की कहानी को क्योंकि हमारा देश है किस्से कहानियों और गीतों का जी सबकी सब अपनी कहानियां हैं हर किरदार की एक अपनी कहानी होती है जी, तो फिर वो प्रोग्राम हिट हो गया और विदेश देश सब जगह से लोगों ने उसे प्यार दिया और छोटा बच्चा एक यूएस में अपनी माँ से हिंदी सीखता है टूटी फूटी और चिट्ठी लिखता है रंगोली में तो ये बातें दिल को छूती थी और एक एटी एट की की पंडित नेहरू जी के जमाने की लेडी जो उन्हें उनके सामने भी गा चुकी हैं तो एक डॉक्टर रॉय हमारे यहाँ बॉम्बे में उनकी माँ दिखता नहीं था उनको मगर उनको रंगोली देखना है रोज सुबह रोज क्या सुबह देखना है क्या बात? तो ऐसी सब बातें मतलब बात कर रही हूँ तो मेरे रूए खड़े हो रहे हैं और यहाँ दूरदर्शन के कंपटीशन में भी कोई बच्ची आई थी मुझे हमारी कॉलीग ने बताया जी कि उसने कहा कि रंगोली ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है तो ये सुन के बहुत अच्छा लगता है वहाँ से चलिए हम चलते हैं आपके आपकी जो डॉक्टरेट है वो फॉक और मीडिया पर है जी। और आपने देश विदेश में परफॉर्म किया और ये रंगोली भी बनाई ये सारा मिला के कैसे इतना बड़ा सफर कैसे तय किया बिल्कुल सही है क्योंकि एक तरफ़ नौकरी दूसरी तरफ गाना और ये लिखना हाँ. तो क्या हुआ कि हमने दूरदर्शन में ये जाना है कि अगर आप एक अच्छी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बनना चाहती हैं तो आपको खुद स्क्रिप्ट भी लिखनी आनी चाहिए जी तो जब आप ख़ुद रिसर्च करते हैं और पढ़ते हैं लिखते हैं तो बड़ी अच्छी चीज़ें भी पता चलती हैं क्योंकि मैंने अपने राइटर को कहा था कि मुझे विकीपीडिया नहीं चाहिए और जितना मेरे इंडस्ट्री में लोगों को जाना है जिनसे मैं जुड़ी रही तो उनकी भी पर्सनल बातें मैं स्क्रिप्ट में वीव करती थी तो वो भी आम आदमी को जोड़ता था अरे ऐसा हुआ था अरे वैसा हुआ था तो वो भी अच्छा लगता था तो जब ही मैंने देखा कि आज हमारी युवा पीढ़ी अपने रूट्स से बहुत दूर हो रही है कौन बताएगा क्योंकि अब जो परिवार है वो क्यूबिकल्स हो रहे हैं हाँ, बिल्कुल तो नानी दादी जी। जी। की कहानियाँ नहीं सुनाने वाला कोई है लोरी बिचारी कहीं खुद सो गई है सुलाते सुलाते क्या बात है तो सोचने वाली बात है अब बच्चे वो गेंद से नहीं खेलते मोबाइल में लगे रहते हैं तो हमने अपने संस्कारों पे काम किया जिनकी बहुत जरूरत है समाज को क्योंकि आज हम जो बिखरे हैं वो इसीलिए लिए बिखरे हैं सब एक अंगूठे की विद्या में उलझे रहते हैं कमरे में दो लोग बैठे हैं सब मोबाइल में हैं जबकि वो आर्टिफिशियल इंटेलेक्ट है सो अगर मुझे आपके बारे में जानना है सूर्यकांत जी के बारे में तो मैं आपको डीपली जानना चाहती हूँ तो मुझे आप पे रिसर्च और सराउंडिंग आपके मुझे तलाशने होंगे जी तब हम आपके तब बारे में कहीं तो गूगल कह पे गए और बस तो गूगल तो एक सेकंड हैंड हैं तो लेते वो तो हैं आपकी ही आपकी ही द्वारा बनाई हुई चीज है तो इसलिए आप क्या बताएंगे उसके बारे में तो फिर मैंने ये किताब लिखी और इसका अच्छा प्रतिसाद मिला संगीत नाटक अकादमी ने इससे ग्रांट दिया और ये पब्लिश हुई और आज सबके सामने है और बहुत इसको सराहा भी गया अभी भी मैंने एक काम किया है कि बचपन में जब हम खेलते थे आपको याद होगा हम कुछ ना कुछ राइम्स बोला करते exactly. थे अब वो नहीं है पहले आ, लोग बेड पे लेट के बच्चे को अपने पैरों पे रख के खिलाते थे जी। तो वो तमाम गीत अभी हम भूल चुके हैं और लोरी भी, भी बेचारी मैंने बताया हो हाँ, चुकी है।, है, है तो उस सब को मैंने अभी खोज खोज के लोगों से पास जा जा के अट्ठासी वर्ष की औरतों से आदमियों से मिल के ढूंढ के अभी काम किया है और बहुत जल्द लोगों के बीच आएगा वो तो वो भी एक अच्छा काम है मुझे ऐसी चीजें करना अलग हटके करना चाहता हाँ, है। और मजा उसी में मजा अच्छा उसी। कहते हैं कि कलाकार चैलेंज लेना जो म्यूजिक है वो किसी बाउंड्रीज को नहीं सरहद तो हमारी सरहदें खत्म है कला और कलाकार के लिए आप हम लोग एक दो भाषा में बस सोचते हैं बहुत कुछ हो गया आपने ग्यारह ग्यारह भाषाएं पकड़ी जी वो मैं डी एड जब भी दिल्ली थी तो बहुत गाती थी <laughs> अच्छा। तो वहाँ पे सीखने को मिलता था और वो लोग बताते थे प्रोनाशियेशन कैसे करना है तो फिर मैं अच्छा उसको पकड़ लिया आपने। पकड़ लिया लिया आपने। और आकाशवाणी की उर्दू मजलिस से मुझे बड़ा गाने जी, का जी, जी, जी। मौका मिला और मुझे तराशने का भी मौका उन लोगों ने मतलब मुझे तराशा है ऑल इंडिया रेडियो ने तो मैं उसकी बड़ी ऋणी हूँ वहां नातिया कलाम हम लोग गाते थे सिर्फ तानपुरे पे अरे वाह तो बताती हूँ दो लाइन हाँ, बिल्कुल मैं वही आपसे कहना ही चाह रहा था आप मुझसे एक कदम आगे निकल गई तो बताइए मैंने तेरी आँखों में पढ़ा अल्लाह अल्लाह सब भूल गया याद रहा फ्रीन इतना सुंदर और इतना म्यूजिकल कि लगता है कि बस सुनते रहिए नातिया उसकी यह भी एक खासियत है अच्छा मैं आपसे ये चूंकि आपने म्यूजिक सीखा है परफॉर्म किया है तो अपनी कोई पसंदीदा गजल गुनगुना दीजिए हमारे नाजरीन के लिए ज़रूर मुझे आ, जी मॉडर्न गज़ल गायकी में जगजीत साहब ने बड़ा मुतासर किया जी। गालिब साहब का कलाम है जी हुँ, हुँ, हुँ। गई वो बात की हो गुफ्तू तो क्यों कर हो गई वो बात की हो गुफ्तु तो क्यों कर हो कहे से कुछ ना हुआ फिर कहो तो क्यों करो हो गई वो बात क्या बात वाह बहुत खूबसूरत अक्सर ये कहा जाता है कि कलाकार को अगर अवार्ड्स मिलें तो वो मुकम्मल महसूस करता है क्या ऐसा है आ, मैं ये कहूँगी कुछ है और कुछ नहीं भी है क्योंकि अवार्ड जो है वो आपको और इनक्रेज करता है और आप पे और ज़िम्मेदारियाँ देता है कि और आप बेहतरीन काम करें समाज के लिए अपनी विद्या के लिए मगर अगर आप देखें हमारे देश में एक से एक विद्वान हुए जिन्हें कोई सम्मान नहीं मिला कोई इनाम नहीं मिला कबीरदास हैं गालिब साहब हैं तो क्या वो कलाकार नहीं है जी। वो आज भी जिंदा है और सदियों तक जिंदा रहेंगे तो इनाम के पीछे यश के पीछे आप ना भागें तो ज़्यादा अच्छा लगता है आप अपने काम को करती रहें वक्त एक दिन जो देना होगा देगा दे, बिल्कुल आपने नंबर ऑफ कंट्रीज में ट्रेवल किया परफॉर्म किया और अगर यहाँ लखनऊ की तरफ आए तो लखनऊ महोत्सव में मैंने आपकी एक प्रस्तुति देखी प्रेजेंटेशन uh, तो आपको क्या लगता है कि ये जो उत्सव धर्मा हमारा जो देश है इसमें दूरदर्शन के जानिब से और कलाकार जो फ्यूचर में आए वो क्या आपने दिमाग में रख के चलें वो ये रख के चलें कि जो हमारी चीज़ें हैं बेहतरीन और जो हमारे अच्छे शायर हैं अच्छे लेखक हैं आ, उनको भी पढ़ें और उन्हें गाएं क्योंकि वो ही एवर लास्टिंग है जी। जो कभी भी विस्मृत नहीं होंगे ये जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आप चाहते हैं कि मकबूल हो जाएं और बहुत ज़्यादा आपको लोग जान लें तो वो फिर शॉर्ट टाइम का ही होता है आपको लॉन्ग टाइम का अगर गेम खेलना है तो बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है और अच्छे अच्छे कलाम गाएँ अच्छे लोगों को पढ़ें अच्छे गुणी लोगों को सुने और बहुत ही अच्छे गुरु से सीखें संगीत सामने से ये पॉकेट गुरुओं से ना सीखें जी। तो फिर बात नहीं बनती है बहुत फिल्मी दुनिया से भी आपका रिश्ता रहा है जी और आपने कई फिल्मों में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है जी। आपको अपना सबसे बेहतर कॉन्ट्रीब्यूशन कब क्या और कैसे लगा देखिए क्या हुआ कि बेहतर तो हम कलाकार नहीं कह सकते क्योंकि हमें तो रहता है कि ये मेरा गाना है ना तो इसको बहुत ही अच्छा गाना है क्योंकि आ, ये मेरा पहला टेस्ट है हर गाना मेरा पहला टेस्ट है क्योंकि आज बहुत ही कंपटीशन है तो जैसे मुझे हिमेश रेशमिया साहब ने गवाया बनारस में फिर ख़याम साहब ने गवाया बाजार हुसन में फिर एक नए म्यूज़िक डायरेक्टर यंग पलाश मुच्छल ने गवाया तो इन तीनों का अलग ही जोनर है जी। तो सभी गाने अच्छे थे क्योंकि फिल्मों में जो हम गाते हैं वो आ, हीरो हीरोइन और सिचुएशन के लिए गाते हैं सिचुएशनल सॉन्ग्स हो। सिचुएशनल होते हैं जो भी तो भी वो जैसा रहता है वैसा गाना पड़ता है तो जो हिमेश जी ने गवाया वो तो होली का था उर्मिला जी का डांस था उस पर तो वो सोनू निगम मेरे को सिंगर रहे हम जब बॉम्बे में थे तो भी हमने सोनू जी के साथ काफ़ी चीज़ें गाई एडवर्टीजमेंट कभी दूरदर्शन के प्रोग्राम तो वो भी बड़ा मुझे सुखद लगा था कि सोनू साहब के साथ मैं गा रही हूँ वो होली का गाना था मैं ज़रूर यहाँ गुनगुनाना चाहूँगी भंगिया रगड़ के पी सजनिया रतिया बालम आए है ना रंग डारो रंग डारो रंग डारो फेको गुलाल की बोलो सरररर रर रंग डारो रंग डारो रंग डारो फेको गुलाल की बोलो शरार आई 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 देखो छोरियो की टोली करके जोरा जोरी ले गई हमरे मन की चोरी मुझसे फागुन में काहे रार करे छुप छुप के नयन वार करे हम आए हम आए हम आए करने धमाल की बोलो सर क्या बात आपकी पसंदीदा गायिका कौन है मुझे आशा जी बहुत प्रभावित करती हैं उनका अंदाज चाहे वो गज़ल गाएं चाहे वो गीत गाएं चाहे वो डांसिंग नंबर गाएं मतलब कुछ भी गाएं ऐसा लगता है कि वो अल्टीमेट है उसके बाद आप नहीं सोच सकते हैं और उनको गाना भी कि मतलब दीदी के गाने को गाना बाप रे यही कहूँगी कुण मैं मतलब हम तो क्या बताएं इस ऐसा ऐसा उन लोगों ने गाने ऐसे ऐसे गाए हैं कि वो सीखो तो उसमें एक एक सबक है कि कैसे कैसे कहा है कैसे आकार का प्रयोग किया है, कैसे इकार का प्रयोग किया है, कैसे उकार का प्रयोग किया है, गजब की चीज है और जो एक्सप्रेशन है कितने ग्राम कितने माशा कितने तोला कैसे लगाने हैं बाप रे। बिल्कुल सुनार और जहरी वाली बात हा? है तो कुछ सुना दीजिए उनका जो आपकी पसंद जो आपकी पसंद हो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है उनका हर ही गाना अच्छा लगता है ऐसे कोई हुँ। हुँ। रो सा सोतले रोज रो सा सोतले रो एक ही सपना चले रोज रो सावंजले जिस तरह ख्वाब में रात का दिया जले हाँ रोज रोज तले, एक ही सपना चले रोज रोज सावन जले जिस तरह ख्व में रात का दिया जले हाँ हा, रोज, रोज सासो तले आफरीन मरा उम्र के लिहाज से एक्सपीरियंस के लिहाज से मदन मोहन साहब का नाम बेसाख्ता में आया तो मैंने आपसे सोचा कि आपसे गुजारिश करूं कि उनकी कोई अच्छी सी गज़ल जो समाज पर एक सटायर कश्ती हो मदन मोहन साहब एक ऐसे गज़ल के मायने में संगीतकार में कहूँगी कि जिसको मैं कहूँ कि वो शहनशाहे मौसकी रहे बेहतरीन नगमे उन्होंने दिए और गजलें तो खास करके उनका अंदाज ठुमरी को मद्देनजर रखते हुए वो कंपोज करते थे तो एक उनकी गजल है कि बड़ी दीदी का गाया हुआ है हम है बाजार की तरह उठती है हर निगाह खरीदार की तरह हम हैं को चाओ बाजार की तरह हम हैं वो तो कहीं है और मगर दिल के आस पास आस पास फिरती है हर कै निगाह बयार की तरह उठती है हर निगाह खरीदार की तरह हम हैं मताए को चाओ बाजार और मैं चलते चलते एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने उस दौर से मौसीकी को सीखा जब बहुत सारे उतना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं था आज एक वुमेन एम्पावरमेंट है और कहीं ना कहीं अब वो स्थिति आने वाली है या लगभग आ गई है कि बराबरी का दर्जा हो तो वो बच्चियाँ या वो यंग लेडीज जो आपको रोल मॉडल मान के चलें या आप सरीखी शख्सियतों को रोल मॉडल मान के चलें उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी क्या करें मैं यही कहूँगी साहब इस गुफ्तगु के मंच से कि आप हिम्मत ना हारें और अपने डिटर्मिनेशन पे बनी रहें संगीत और मौसीकी जो है बहुत ही आस्था का विषय है और इस सुरों को साधिए उसको छोड़िए मत क्योंकि एक दिन छोड़ेंगी तो वो पंद्रह दिन पीछे ले जाते हैं जा। तो इसलिए अच्छे गुरु के निर्देशन में सानिध्य में जाएं सीखें आज तो हर किसी की पहुंच है एक ज़माना था जब लोग मिलते नहीं थे हम ढूंढते में हमारा बहुत समय जाता था जा। और अगर मिल भी जाएं सिखाएंगे बताएंगे नहीं तो ये तमाम बातें थी आज तो दूरियाँ बहुत कम हो गई हैं और टेक्नो का ज़माना है मगर संगीत आज भी गुरु के समक्ष ही सीखने वाली विद्या है उसका कोई शॉर्टकट नहीं है और आप जो ये रिकॉर्डिंग सुन सुन के कॉपी करती हैं ये या या तो जो माफ कीजिएगा रियलिटी शो है। जो है ये रियलिटी शो के बारे में मेरा ऐसा कहना है कि हमारी पौध को ठीक है वो सामने ला रहे हैं मगर कहीं ना कहीं उसका हमें नुकसान भी हो रहा है क्योंकि वो अपनी जो उनकी फ्रेगनेस है जो खुशबू है उससे वो महरूम रह जाते हैं और कॉपी तो साहब कॉपी ही होती है कितनी खूबसूरत बात आपने कही कि अपनी फ्रेगरेंस तो अपनी फ्रेगरेंस है भले ही अगर हम इसको महात्मा बुद्ध के उसमें कहें कि आप अपना दीपक स्वयं बनिए आप दीपो भवा जी अपना प्रकाश क्योंकि ईश्वर ने जो नवाजा है हर किसी को वो अलग ही नवाजा है वो एक ही पीस बनाते हैं हर कोई लता दीदी आशा दीदी नहीं हो सकता है आप उनकी अच्छाइयों को सीखिए कितनी दूरी उन्होंने तय की है कितनी मुश्किलें तय की है तब ये बकाम उन्हें मैसर हुआ आप कैसे चाहते हैं कि आपको दो दिन में मिल जाए तो आप हमारे स्टूडियो में आई तहे दिल से शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमें फिर से एक मौका फरहम करेगा और हम आपसे मिलेंगे तो नाजरीन हम बात कर रहे थे डॉक्टर शैले श्रीवास्तव से उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी अगले हफ्ते फिर हम आपसे मिलेंगे किसी और शख्सियत से रूबरू कराते हुए और अब आप दीजिए मेरी मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त खुदा हाफिज़